फ्रेश धनिया चॉप धनिया डालिए, अभी ये कढ़ाई पनीर रेडी है। ग्रेवी अपने अनुसार आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, अगर ड्राई खाना चाहते हैं सूखा सूखा तो सूखा भी बना सकते हैं। दोस्तों आज का डिनर हम कढ़ाई पनीर बनाने वाले हैं, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। होल धनिया लेंगे, होल धनिया लेंगे, उसके बाद इसमें अखा होल कश्मीरी मिर्ची लेंगे, थोड़ा जीरा होल जीरा लेंगे साबुत जीरा, फिर काली मिर्च लेंगे, फिर उसके बाद चार से पांच लौंग लिए हैं, फिर चार से पांच इलायची लिए हैं। ये सारे को रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने के बाद इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अभी ये रोस्ट हो गया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सेपरेट। सेकंड स्टेप है, इसमें थोड़ा तेल लेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे, फिर इसमें ग्रेट किया हुआ, इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक एंड लहसुन डालेंगे। अब इसे ग्रेवी बनाने के लिए साइड में रख लेंगे और इसको पीस कर ग्रेवी बना लेंगे। तेल में पनीर को फ्राई कर लेंगे, देखो गोल्डन कलर हो गया, फ्राई हो गया पूरी तरह से, इसको हम एक प्लेट में अलग से रख लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, उसके बाद क्यूब कटिंग और अनियन डालेंगे, प्याज डालेंगे, कटिंग ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे, शिमला मिर्च, अब हम इसमें
रोस्ट किया हुआ मसाला जो पीस दिए हैं थोड़ा सा, इसको हम इसमें डाल देंगे। ग्रेवी के लिए जो टमाटो और अनियन का पेस्ट था वो डाल देंगे। थोड़ा हल्दी डाल देंगे, हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे वापस। फिर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे। फ्राई पनीर अभी रेडी है, अभी इसको थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। आई थिंक अब रेडी है पनीर का सब्जी। इसमें ऊपर से धनिया डाल के फिनिशिंग करेंगे। फ्रेश धनिया, चॉप धनिया डालिए। अभी ये कढ़ाई पनीर रेडी है। ग्रेवी अपने अनुसार आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर ड्राई खाना चाहते हैं सूखा सूखा, तो सूखा भी बना सकते हैं।